आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज हमारा इसकी जो एक्सरसाइज है 2.5 है। इसमें हमने रियल एंड कम्प्लेक्स यानी कि हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है। पहले हम इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है एवलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब दिस साइन, जो हमारा ये साइन है ना, ये इसे हम बोलते हैं एओटा, ये ग्रीक लेटर है। अब जो इसकी वैल्यू है ना एओटा, अगर ये सिंगल वैल्यू है, हम इसकी पावर 7 है। अब हमने इसको सिंपल करना है। हमने सबसे पहले एओटा 2 लेना है, एओटा 2, फिर हमने 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इस 7 बन जाए या 7 के नजदीक आ जाए। एओटा 2, फिर पावर हमने सारी की ले ली 3, ये बन गया 2, 2, 3 = 6 हो गया, जबकि ये कितना है हमारे पास 7 है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ एक एओटा और लिख लिया, 2, 3, 6 और ये 1, 7, ये हमारे पास एओटा 7 बन गया। अब जो एओटा की वैल्यू है ना, ये एओटा स्क्वेयर है, एओटा स्क्वेयर इक्वल टू -1 होता है, इक्वल टू -1 होता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमने यूज करनी है ऑलवेज, चाहे आप एमएससी कर ले, एमफिल कर ले। तो ये हमारे पास एओटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, उसकी पावर 3 है, फिर साथ क्या इसके एओटा है। तो नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव की पावर ओड है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी पावर देखो, अगर मैं -1 फिर -1, क्या हो गया पॉजिटिव हो गया -1। पॉजिटिव को अगेन तीसरी दफा, अगर ये देखें सिंपल है, -1 × -1 × -1 -± ± ये माइनस हो गया, ये साथ क्या इसके एओटा, तो एओटा 1 = −एओटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है एओटा 50 है। अभी एओटा 50 को हमने कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एओटा 2 लिख लिया, फिर ब्रैकेट में 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 50 बन जाए, 225 × 50 = 50, तो ये हमारे पास क्या बन गया 25। अब जो एओटा स्क्वेयर है, जैसे हमने ये किया -1 है, अब उसकी पावर क्या है 25 है, तो ये -1 हो गई। अब एओटा 12 है, हमने एओटा 2 लिखा, उसकी पावर क्या आ गई है 6, तो 6 × 2 = 12। अब एओटा -1 है, उसकी पावर 6 है। अब यहां देखो, यहां -1 की पावर इवन है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। अब इस तरह −8 है। अब यहां बच्चे, यहां ना काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि −8 की पावर 8 है। अब यहां हमारे पास 2 है, एक माइनस है एक एओटा है, तो हमने दोनों की पावर लहदा करनी है। मैंने क्या किया, −1 × एओटा, क्योंकि एओटा हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, हम इसको सिंपल क्या पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो −1 × एओटा। अब −1 की पावर 8 लहदा होगी और एओटा की पावर लहदा होगी, जब बेस डिफरेंट हो पावर 1 हो, जब बेस डिफरेंट हो पावर 1 हो सेम हो, तो वो दोनों बेसों के ऊपर पावर डिवाइड हो जाएगी। तो यहां अच्छा ही, अब ये क्या है, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, एओटा 2 और 4 एओटा 8 बन जाएगा, ये इसकी लहदा हो गया, इसका लहदा हो गया। तो अब इसके बाद क्या है, एओटा स्क्वायर -1 है, −1 की पावर 4 है, तो ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, −1 की पावर 8 है, ये भी 1 हो गया, 1, 1 क्या, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 हो गया, इसको हम यहां लिख सकते हैं इक्वल टू 1 है ये। अब उसके बाद है −8 पावर 5 है, वो सेम एज −1 लहदा कर लिया, फिर एओटा 5 लहदा कर लिया, यानी कि हम इसको −1 और एओटा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल टू −1 × एओटा पावर 5। अब उसके नीचे 1 की पावर 11, एओटा की पावर 11,
अब क्या किया, सेपरेट दोनों की पावर सेपरेट कर ली, माइनस वन की पावर फाइव तो माइनस वन आ गया। अब एटा फाइव है, एटा टू, एटा टू, एटा फोर एंड एटा वन फाइव हो गया, ये भी माइनस वैसे आ जाएगा। अब एटा स्केयर की पावर क्या है, माइनस वन है, उसकी पावर टू, ये भी वन हो गया। साथ ही एटा है, माइनस एंड वन ये नेगेटिव हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई किया माइनस एटा हो गया। अब उसके बाद है 27, एटा पावर 27 है, एटा स्क्वायर, फिर उसकी पावर 13, 13 टू आर 26, साथ क्या उसके एटा 26, एटा 27, एटा बन गया। अब क्या करना है, एटा स्क्वायर माइनस वन है, उसकी पावर 13 है, तो ये नेगेटिव ही आ गया, एटा साथ है, एटा वन आर माइनस एटा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा है, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंजुगेट क्या होता है, हमारे पास हमने उसके ऊपर कंप्लेक्स नंबर के ऊपर हमने बार लेना है, तो वो बार इस टाइप का होगा, जब बार को हम रिमूव करेंगे जो कंप्लेक्स नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, जो कंप्लेक्स नंबर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, टू प्लस थ्री होगा, मैंने क्या किया इसका लिया कि ये साइन हमारे पास क्या है, कंजुगेट है, मैंने इसके ऊपर लिया कंजुगेट, टू प्लस थ्री एटा कंजुगेट, जिसके साथ एटा होगा वो साइन चेंज होगा, बाकी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हमारे पास इसका कंजुगेट ये आ गया। अब थ्री माइनस फाइव एटा, तो माइनस का क्या हो गया, साइन ये लगाना है, ये लगाने के बाद साइन चेंज होगा, जब इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब उसके बाद है माइनस एटा अकेला है, तो माइनस एटा का लिया कंजुगेट, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखें, यहां माइनस थ्री है प्लस फोर एटा है, तो दोनों को लिया कंजुगेट, माइनस थ्री चेंज नहीं होगा, जिसके साथ एटा होगा वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस था माइनस हो गया। अब उसके बाद माइनस फोर माइनस एटा, अब यहां भी माइनस फोर है कंजुगेट, माइनस एटा है, माइनस फोर वैसे सिर्फ एटा का साइन चेंज हो गया। अब यहां एटा माइनस थ्री है, अब एटा पॉजिटिव है, जब कंजुगेट लिया सिर्फ एटा का साइन चेंज होगा, थ्री वैसे का वैसे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी कंप्लीट है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर, और फॉलोइंग नंबर कंप्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करते हैं, जब कंप्लेक्स नंबर लिखना होता है रियल में और इमेजिनरी में, तो हम उसको लिखते हैं जेड इक्वल, ये हमारे पास z इक्वल a प्लस एटा b। अब जो a और b है ना, a और b बिलोंग टू रियल नंबर्स है, ये माइनस वन टू थ्री फोर फाइव माइनस भी आ सकते हैं और ये पॉजिटिव भी आ सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंप्लेक्स नंबर है, a प्लस एटा b फॉर्म में होगा। अब देखें, ये हमारे पास क्या दिया गया, वन प्लस एटा, मैंने क्या किया इसको लिखा है z कंप्लेक्स फॉर्म में, z इक्वल वन प्लस एटा। अब हमने क्या करना है, रियल निकालना है और इमेजिनरी निकालना है, रियल नंबर वो होगा जिसके साथ एटा नहीं होगा, चाहे वो जीरो है वो हमारे पास रियल z है, और जिसके साथ एटा आएगा, एटा के साथ कुछ भी नहीं, यहां ये हमारे पास वन है, तो एटा वाला कंप्लेक्स नंबर है, और सिंपल जो हमारे पास सिंपल है वो रियल नंबर है, तो रियल z पहला है और इमेजिनरी जेड क्या है, इसके साथ वन है तो वन आ गया। अब इसके साथ ये रियल जेड क्या है, माइनस वन है, इमेजिनरी जेड क्या है इसका, ये टू है, एटा के साथ ये टू आ गया। अब उसके बाद क्या है, जेड है, रियल जेड क्या है इसका, रियल जेड ये टू है, और इमेजिनरी क्या है, माइनस तीन है, एटा वाला इमेजिनरी है और रियल कौन सा है, अकेला नंबर है, फिर माइनस टू एटा, रियल जेड माइनस टू है और इमेजिनरी भी माइनस टू का, एटा माइनस टू है। अब इस तरह जीरो प्लस थ्री एटा, ये जीरो मैंने खुद लगाया है, अकेला क्या था, माइनस थ्री एटा, जब इसको कंप्लेक्स फॉर्म में लिखा तो जीरो माइनस थ्री एटा हो गया, तो रियल जेड क्या है इसका, जीरो है, इमेजिनरी जेड क्या है, माइनस थ्री है। अब उसके बाद लास्ट पार्ट है टू प्लस जीरो एटा, अब इसको मैंने जी इक्वल टू प्लस जीरो एटा, तो रियल जेड टू है, इमेजिनरी जेड इसका क्या है, इसके साथ जीरो है, तो ये मेरे पास इमेजिनरी जेड हो गई।
क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस योटा वाई प्लस वन इक्वल फोर माइनस थ्री योटा। अब हमने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है हमने इसको। एक्स प्लस योटा वाई प्लस वन इक्वल, वो हमने सेम इक्वेशन लिख ली है। अब हमने क्या करना है, जो रियल नंबर है वो साइड पे कर लेने हैं, जो कॉम्प्लेक्स है वो साइड पे कर लेने हैं। अभी देखें, ये वन है, ये एक्स है, एक्स प्लस वन प्लस योटा वाई इक्वल फोर माइनस थ्री योटा, यानी कि जिनके साथ कुछ भी नहीं है वो रियल है, जिनके साथ योटा वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करना है, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर, यानी कि ये बगैर योटा के, ये भी बगैर योटा के, ये हमारे पास ये है योटा वाई माइनस थ्री योटा। अब क्या किया, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, एक्स इक्वल टू थ्री हो गया। अब ये योटा ये और ये योटा दोनों कट हो जाएंगे, तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री योटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू तीन है और वाई की वैल्यू माइनस थ्री है। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल है।